भगवान कल्पतरु जैसे हैं। हम उनसे जो मांगते हैं वे हमें दे देते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि उनसे क्या मांगना चाहिए। हम बेअक्लों की तरह वो सब मांगते हैं जो हमें नहीं चाहिए। सच्ची भक्ति में कोई इच्छा नहीं रहती। हमारे लिए क्या अच्छा है ये भगवान क्या समझते नहीं है? फिर उनसे कुछ मांगने की जरूरत ही क्यों पड़े? हमारा काम होने के लिए हम ऐसी चीजें मांगते हैं मानो हमें बुद्धि ही ना हो। जब मुसीबत में फंस जाते हैं तो फिर भगवान याद आते हैं। यहाँ गलती किसकी है? इसलिए सच्ची भक्ति में कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसलिए नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये कहा गया है, मुझे वासनाहीन बनाओ। ऐसा हम भगवान से क्यों नहीं मांगते? हे भगवान, मैं तो अभी से थक गया हूँ। पता नहीं कब पहुंच पाऊंगा। पता नहीं किस घड़ी में वेंकटेश जाने का निर्णय लिया था। कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। हे माँ, हे भगवान, यहाँ तो अगल बगल में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। हे भगवान, अरे सुनो भाई। क्यों भाई, इस रास्ते से तिरुपति पहुंच जाऊंगा ना? कैलाश पहुंच जाओगे। अरे भाई, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? यहाँ से शमशान पहुंचोगे, वहां से जाओ। देखिए, मैं इस प्रांत का नहीं हूँ। पर्वत चढ़ करके दर्शन करने का प्रण लिया हुआ है मैंने। इधर से चले जाओ और आगे जाकर किसी से भी पूछ लेना। ठीक है ठीक है। क्या पूछोगे? यहाँ से जाने पर तिरुपति पहुँचूंगा क्या? ऐसा नहीं, मुझे तिरुपति जाना है, कैसे जाऊँ, इस तरह से पूछना। ठीक है? सच्चिग्री वेंकट रमणा गोविंदा 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 जय गोविंदा। नमस्ते जी। नमस्ते। सुनिए, इस रास्ते से जाऊंगा तो तिरुपति आएगा? तिरुपति नहीं आएगा, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। ओह, तो ये समस्या है। अच्छा, जिस तरह से मैंने उस आदमी से पूछा था वैसे ही पूछता हूँ। हाँ भैया, मुझे तिरुपति जाना है, कैसे जा सकता हूँ? तिरुपति जाना है, काशी प्रयाग की तरफ जाओगे तो तिरुपति पहुँचोगे क्या? कैसे अजीब अजीब लोग हैं यहाँ, कैसा प्रांत है, कैसे लोग हैं ये, कोई मेरी समस्या का समाधान नहीं बताता। सुनिए, मुझे तिरुपति जाना है, कैसे जा सकता हूँ, क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हैं? वेद वेदांगों में, तर्क शास्त्र में, पूर्वोत्तर मीमांसा आदि शास्त्रों का जो मैं पंडित हूँ, और मुझसे तिरुपति जाने का रास्ता पूछते हो? अगर कोई धर्म शास्त्र से संबंधित संदेह हो तो पूछो। अरे मूर्ख, उपयुक्त समय आए तभी उसका उपयोग करना चाहिए। अच्छा पूछो, तुम्हें जो चाहिए वो पूछो, मैं बताऊंगा। मेरी समझ में नहीं आया, इस तर्क को समझा कर बताइए। अरे मीमांसु नहीं भ्रष्ट मानो, मीमांसा कहो, मीमांसा। अरे बंदर, क्या जाने अदरक का स्वाद। यहाँ से दक्षिण की तरफ जाओ, गोविंदा गोविंदा जपते हुए तिरुपति पहुंच जाओ। गोविंदा गोविंदा। भैया, इस रास्ते पे जाने से तिरुपति आएगा? नहीं नहीं, वो जहाँ पर है वहीं रहेगा। सुनिए भाई साहब, मुझे तिरुपति जाना है, कैसे जा सकता हूँ? तिरुपति जाना है, काशी प्रयाग के रास्ते पर तिरुपति कैसे आएगा? मुझे पता है आप मुझे नहीं बता सकते, तो आप अपने रास्ते पर जाइए, मैं अपने रास्ते पर जाता हूँ। गोविंदा, लगता है पगला गया। गोविंदा, बाप रे, यहाँ कहीं पेड़ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वहाँ एक हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा है, वहीं पर चलता हूँ, उसके नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कृष्णा रामा। हे बाबा, ये क्या है, ये सारे निशान कैसे हैं? भक्तों की पूजा से निशान बन गए होंगे। हे माँ, हे भगवान, जय श्री राम, जगह मिल गई, अब यहाँ आराम कर लेता हूँ। आराम के लिए जगह तो मिल गई, अब अगर थोड़ा सा पानी भी मिल जाता तो मेरी प्यास बुझ जाती। पानी मिल गया, पानी मिल गया। वाह, भगवान कितने अच्छे हैं, पानी मांगा और तुरंत मिल गया। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पानी मिलने से क्या होता है। बड़ी जोर की भूख लगी है मुझे, क्या मुझे खाना मिल सकता है? कितना अच्छा हो अगर मुझे मनपसंद लड्डू मिल जाए। लड्डू, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान।
पेट भर गया। भगवान कितने अच्छे हैं, मुझे लड्डू दे दिए। हाँ, लड्डू से क्या होता है, लड्डू खाने के बाद मेरा मन तो तभी भरेगा जब जलेबियां मिल जाएं। जलेबियां, जलेबियां, वाह। वाह, कितनी अच्छी, बहुत ही बढ़िया है। आज मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी है, पहले लड्डू मिले फिर जलेबियां मिल गई। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लड्डू जलेबी से क्या होता है, मुझे जो बचपन से पसंद है वो मैसूर पाक मिल जाए तो बात बने। मैसूर पाक। वाह, बहुत बढ़िया। सब कुछ दिया लेकिन भोजन के बाद फलाहार भी तो चाहिए। हाँ? केले कहाँ? हाँ? अरे वाह, केले, ब्रह्मांड। वाह, पेट भर गया। अब क्यों ना एक झपकी ले लूं? पलंग कहाँ है? हैं? मैं कहाँ सोऊंगा? हाँ, पलंग आ गया, मेरा पलंग। मैं अभी सोता हूँ। ओए होए होए, इसे कहते हैं भाग्य। मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मेरा भाग्य। अगर कहीं इस घने जंगल में कहीं से कोई बाघ आ गया और मुझे खा गया तो। अरे ये तो सचमुच बाघ आ गया, अरे कोई बचाओ। देखा आपने इस यात्री की क्या गति हो गई। अच्छा, मैसूर पाक खाते हुए तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन जब बाघ आकर खाने लगा तो डर से रोना चालू हुआ। क्या अंतर्यामी सर्वज्ञ भगवान हमारा भला क्या और बुरा क्या है ये नहीं जानते? बिल्कुल जैसे माँ अच्छी तरह से ये जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। छोटे बच्चे कभी कुछ मांगते हैं? भक्ति का स्वरूप ऐसा ही होता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि भक्ति में किसी तरह की कामनाएं, व्यापार और भय नहीं होना चाहिए। ऐसी भक्ति को हमें बढ़ाना चाहिए। त्वमेव शरणं मम कहकर यदि हम भगवान की शरण जाते हैं तो वे सब कुछ देते हैं। अगर ऐसा ना करें तो ये संसार रूपी बाघ हमें खा जाएगा। उठो, जागो, समझ गए? ऐसा श्री रामकृष्ण देव ने इस कथा में कहा है।